अजय दलाल से सच्ची में मेकर्स डरते हैं, रोहित शेट्टी डरते हैं, एकता कपूर डरती है, बिग बॉस डरते हैं, सलमान खान डरते हैं। भाई इतना ही बड़ा आदमी है कि इतने सारे लोगों को डराता है, तो आखिरकार वो यहाँ पर आया ही क्यों है? बाहर बैठे हुए अपनी एक गैंग बनाता और सब लोगों को डराता और सब लोगों से फिरौती जो है वो मांगता, बहुत ज्यादा करोड़पति बन जाता और बहुत सारा नाम भी उसका होता। लोग ही बहुत ज्यादा डरते क्योंकि वो यहाँ पर डराने जो आया है ना। अभी मैं तो ये बात बोलूंगी कि जो चंद लोग हैं जो कि रज्जो के फैंस, कुछ चंद फैंस हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हुए हुए हैं कि भाई ये बंदा जो है सलमान खान से नहीं डरता, मेकर से नहीं डरता, एकता कपूर की बोलती बंद करवा दी, वो कुछ नहीं बोल पाई, अब जो है रोहित शेट्टी के सामने रेपटा मारने की बात कर दी, उससे कुछ नहीं हो पाया, इन सब से कुछ नहीं हो सकता है, ये सब लोग जो है डरते हैं हमारे रज्जो दलाल से, हमारे पुकी मैन से, ये बातें जो है कुछ लोग कर रहे हैं। पर मैं मतलब कि उन लोगों को तो छोड़िए, बस आप लोगों से मैं पूछती हूँ कि मेकर्स क्या ऐसे ही हैं? मतलब कि मेकर्स सच में ऐसे ही हैं कि मेकर्स को पता नहीं कि आखिरकार किसकी कितनी औकात है, कौन कितना क्या कर सकता है? भाई उनको भी पता है कि ये क्या कर सकता है। अगर उनको पता होता कि भाई हमको इससे डर के रहना है, ये हमें डरा के रखेगा, तो क्या कोई काम देता है? भाई मतलब कि घर में आप काम वाली लगाते हैं, तो काम वाली लगाते वक्त अगर वो आजू बाजू से पता चल जाए कि भाई ये तो जो है ना काम नहीं करती, ये तो बस धौंस जमाती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी औरत जो है उस काम वाली को अपने घर में रखना चाहेगी। कोई भी नहीं रखेगा, मैं भी नहीं रखूंगी। तो वही हाल जो है वो रज्जो दलाल का है। अगर उसके बारे में मेकर्स को ऐसा पता होता कि भाई पता है ही कि हाँ भाई उसकी कितनी औकात है, तो अगर वो गुंडागर्दी करेगा तो उसको एक्चुअली में इसलिए लाया गया है क्योंकि उसकी गुंडागर्दी यहाँ पर होगी, उसकी असली औकात जो है वो सामने आएगी। अगर ये डरते होते तो उसको लेके ही क्यों आते? वो थोड़ी ना अभी अपनी बेइज्जती करवाते। कौन अपनी बेइज्जती करवाना चाहता भाई? कोई भी नहीं करवाना चाहता। आप करवाना चाहते हैं? या जो चंद लोग हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ढिंढोरा पीट रहे, वाह वाह क्या कर दिया उसने, क्या कर दिया, सबको डरा दिया, वो क्या जमीर से ये बात बताएं कि वो खुद किसी से क्या अपनी बेइज्जती करवाना चाहेंगे, नहीं करवाना चाहेंगे? तो ये जो खुशी है ना, ये बस चंद दिनों की है, क्योंकि हर किसी को पता है कि ये बंदा जो है कितना ज्यादा एक्चुअली में उड़ता है। जैसे कि रवि भैया ने भी ये बात बोली कि भैया आप सबकी कॉपी करते हैं, आपकी पर्सनालिटी क्या है? सलमान खान ने भी बोला कि स्टार तो अच्छा करते हैं पर कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं, तो आप मतलब कि सबकी कॉपी करते हैं। तो अभी ये बंदा क्या आसिम रियाज की कॉपी नहीं किया होगा? आसिम रियाज का सीन नहीं देखा होगा और रोहित शेट्टी से रिलेटेड है? और इस बंदे को तो पता ही है ना कि रोहित शेट्टी आते जाते रहते हैं, एकता कपूर आते जाती रहती है, इतना दिमाग चलाता है। कैलकुलेशन अगर बिग बॉस ने 27-27 कुछ ऐसा बात बोला, तो इसने इतना बड़ा कैलकुलेशन अगर लगा के सामने रख दिया, दिमाग है, मतलब कि उसी की तारीफ कर रही हूँ, कोई ऑफेंस लेके चला जाए तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, पर दिमाग है बंदे का, तो वो देख के नहीं आएगा, देख के आएगा कि भाई जाके रोहित शेट्टी के सामने आसिम रियाज खड़ा हो गया, तो अब ये भी रोहित शेट्टी के सामने उड़ रहा है कि भाई मेरी भी वाह वाह होगी, जैसे कि आसिम रियाज की वाह वाह हुई। कि अगर पावरफुल आदमी के सामने खड़ा जाए तो वाह वाह होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे मैं बाहर भी चला जाऊं, एक बात है कि भाई बाहर तो चला जाएगा ना तो तू गुंडा ही रहेगा और कुछ नहीं बन सकता, तो उमर रियाज नहीं हो सकता, तू आसिम रियाज नहीं हो सकता, तू ऐसा कंटेस्टेंट नहीं हो सकता जो एक्चुअली में अपने स्टैंड के लिए खड़े हुए थे, तू ऐसा ही गुंडा रहेगा जो कि दूसरों की बेइज्जती करके अपना स्टैंडर्ड जो था ही नहीं कभी, वो स्टैंडर्ड के बारे में बड़ी बड़ी हाँक के अपना स्टैंडर्ड दिखा के कि मैं कितने जमीन में गड़ा हुआ हूं, पर मैं सिर्फ एक आदमी के आने पे जो मेरा अपना है, एक आदमी के आने पे मैं इतना उड़ सकता हूँ, तो 10 लोग जब मेरे अपने खड़े होंगे तो सोचिए मैं तो मर्डर भी आराम से कर दूंगा और मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। ऐसी मेंटालिटी है इसकी। उड़ लो जितना उड़ना है। चंद फैंस के बारे में बात कर रही हूँ, सबके बारे में नहीं। मुझे पता है कि रज्जो के भी काफी सारे ऐसे फैंस हैं जो कि रज्जो को भी आजकल नफरत करने लग गए हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।